कलयुग का पांचवा स्थान बेईमानी से कमाया धन है, बेईमानी ना करो साहब। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट थी, वो कलयुग आके बैठा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। नाश करता है कलयुग, सात परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट। देखो परीक्षित जैसों की बुद्धि कलयुग ने भ्रष्ट कर दी। क्या कर दी कलयुग ने? भ्रष्ट कर दी। संत जी का अपमान, संतों का कभी अपमान ना हो। कोशिश करो कि हम सबका सम्मान करें, हम किसी का अपमान, हमसे सबका सम्मान हो, हमसे किसी का अपमान, हमसे किसी का अपमान, हमसे किसी का अपमान ना हो। हम सम्मान करें। परीक्षित जी ने मरा सांप डाल दिया, समीक जी के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरि। आज से सातवें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से यही सवाल तो किया कि प्रभु मुझे सात दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान ने कहा, वरियाने सते प्रश्न कृतोलोकहितं रप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादि सुयः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणे नवा। कम सोइए। क्या कितना सोना चाहिए हमें? कितने? आधा घंटा, एक घंटा, छह? आपके लिए तो छह ठीक है। बीस साल से लेकर के तीस साल, पैंतीस साल तक आठ घंटे सोना चाहिए। पैंतीस साल से लेकर के पैंतालीस साल तक सात घंटे सोना चाहिए। पैंतालीस से पचपन तक छह घंटे सोना चाहिए, और पचपन के बाद फिर जो उम्र बचे उसमें पांच घंटे से ज्यादा आप सो भी नहीं पाओगे, देख लेना सो के। प्राकृतिक। क्यों जी, सही है? ज्यादा नहीं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। अब तुम्हारी उम्र सोने की नहीं है, पचपन साल के हो गए हो, अब सोने के लिए नहीं हो, अब तो जागो और भगवान का चिंतन करो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। कबीरा, कबीर जी कह रहे, कबीरा सोकर क्या करे, कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोवना लंबे पैर पसारी। एक दिन तो ऐसी नींद में सो ही जाना है कि फिर कोई जगाने वाला